वेल हेलो गाइस, तो मेरे भाई हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल की ज़बरदस्त वीडियो लेके। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ टॉप 5 अपार्टमेंट की टिप्स एंड ट्रिक। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करते हो तो भाई जो टिप्स एंड ट्रिक आपको इन गेम काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, और इन टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करके आप बंदों को भी ईजिली मार पाओगे। तो चलिए भाई फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी है टिप्स एंड ट्रिक। ट्रिक नंबर 1, तो आपको यहाँ पर ये वाला ट्रक देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बग्घी को लेना है, और भाई जो बग्घी है उसको आपको यहाँ पे इस ट्रक के पीछे लगा देना है। यानी कि भाई आपको इस तरीके से इस बग्घी को लगा देना है, और फिर गाइस आपको पीछे वाली सीट पे बैठ जाना है। और भाई जैसे आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे तो आप एकदम इनविजिबल हो जाओगे, और कोई भी बंदा आपको एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। गाइस आप यहाँ पर भी हो सकते हो, और जैसे आप यहाँ पर FPP में स्विच करोगे तो भाई आपको यहाँ पर चारों तरफ का व्यू देखने को मिल जाएगा। यानी कि भाई जो भी बंदे यहाँ पे आएंगे तो आप उनको देख पाओगे। लेकिन भाई इसकी दिक्कत है कि गाइस आप यहाँ से फायर करोगे तो जो बंदों को डैमेज नहीं पड़ेगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे स्नाइपर रहेगी तब तो गाइस कई बार बंदों को डैमेज पड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्नाइपर से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे AR गन रहेगी तब गाइस आप बंदों को डैमेज नहीं दे पाओगे। लेकिन भाई आप यहाँ पर थ्रोबल्स का यूज़ ज़रूर कर सकते हो, जैसे कि ग्रेनेड, मोले, भाई आप इनका यूज़ करके बंदों को निपटा सकते हो। और अगर आप रैंक पुश करते हो तो गाइस आप तब इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे रहते हुए आप अपने सर्वाइवल पॉइंट को निकाल पाओगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 2। तो गाइस आपको अपार्टमेंट में यहाँ पे सीढ़ियों के बीच में एक गैप देखने को मिलता है, तो भाई आप इस वाले गैप से नीचे वाले बंदों को मार सकते हो। अब कई बार बंदे क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे रुक जाते हैं, तो भाई अगर आपको इस वाले जगह से वो बंदे दिखे तो भाई आप यहाँ पर रहते हुए उनको नॉक कर पाओगे। तो भाई ये वाली ट्रिक आपके लिए काफ़ी कमाल की हो सकती है। तो भाई जब भी आप यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हो और बंदे आपके ऊपर रश कर देते हैं तो गाइस आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 3। तो गाइस आपने कई बार देखा होगा जो बंदे यहाँ पे सीढ़ियों में टीपी भी लेके खड़े रहते हैं, और भाई आप जैसे जाते हो तो वो आपको डायरेक्ट नॉक फिनिश करते हैं। तो अगर आपको ऐसे बंदों को मारना हो तो गाइस आपको यहाँ पे इस वाली जगह पर आ जाना है, और फिर आपको सामने की तरफ जंप करना है और अपने करेक्टर को दरवाजे की तरफ कर लेना है, और लेस ग्रैब का यूज़ करके दरवाजे के ऊपर आ जाना है। और जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो जो भी बंदे यहाँ पे अंदर रहेंगे तो गाइस आप उनको एकदम इजीली नॉक फिनिश कर पाओगे। अब भाई ये जो ट्रिक आपके लिए थोड़ी हार्ड हो सकती है, लेकिन भाई अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आप इस ट्रिक को काफ़ी अच्छे से करना सीख जाओगे। और भाई इस ट्रिक का एडवांटेज ये है कि आप इसको सोलो में कर सकते हो। तो जब कभी भी आप अपार्टमेंट में रहो और भाई अपार्टमेंट में बंदे नहीं रहे तो गाइस आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 4। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे इस वाले अपार्टमेंट में रहते हो और जो बंदे यहाँ पे बड़े वाली बिल्डिंग की छत पर रहें तो गाइस अगर आपको उन्हें मारना हो तो आप उनको कैसे मार सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाली जगह पे आ जाना है, और फिर गाइस आपको यहाँ पे इस वाली विंडो से जो सामने बॉर्डर है इसके ऊपर जंप कर देना है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर आ जाओगे, और भाई जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो और अगर आपको यहाँ से बंदे दिख जाएँ तो आप उनको गन से निपटा दो। अगर भाई आपको यहाँ पर नहीं दिखे तो आप क्या करो, यहाँ पर थ्रोबल्स का यूज़ कर सकते हो, और भाई थ्रोबल्स का यूज़ करके भी आप उनको ईजिली नॉक फिनिश कर पाओगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 5। तो गाइस जब भी अपार्टमेंट के बाहर बंदे रहते हो और आप डायरेक्ट विंडो से कूद के उनके ऊपर रश करते हो तो आपको क्या करना है कि जंप करते वक्त पंच वाले बटन को दबा देना है, जिससे कि जो आपकी जंप की साउंड है वो नहीं आएगी और बंदों को पता भी नहीं चलेगा भाई आप नीचे भी आ चुके हैं, और भाई आप उनको एकदम सरप्राइज अटैक दे पाओगे। तो गाइस आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, और इस ट्रिक को आप अपार्टमेंट में नहीं भाई आप काफ़ी जगह पर इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। यानी कि भाई जहाँ से भी आप छत से जंप करो तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो भाई यही थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।